अच्छा स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूँ रौनक, नमस्ते एंड वेलकम। देखिए बचपन में स्कूल के बाहर जब लड़कों के दो ग्रुप में लड़ाई हो जाती थी ना, तो सभ्य समाज उस लड़ाई को मैटर का नाम देता था। उस मैटर की सबसे अच्छी बात यही होती थी कि इसमें हर कोई अपने घर कुछ ना कुछ लेकर जाता था। पीटने वाला अपनी 10 ग्राम ईगो लेकर जाता था और पीटने वाला आयोडेक्स रगड़ते हुए निकलता था। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सबसे फायदे में हमारा समाज रहता था जो अपने घर एंटरटेनमेंट लेकर जाता था। चौराहे पर खड़े अंकल अपना काम धंधा छोड़कर बस ये कमेंट देने खड़े हो जाते थे कि देश की युवा पीढ़ी देखो कहां जा रही है, आपस में लड़ाई लड़ रही है, जबकि जाना उन्हें खुद नहीं कहीं होता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे कोई अंकल अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में देख रहा हूं लिख दें, मुझे आपको ब्लॉक करना है। जमाना बदला और बड़े होकर यही लड़के फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, तो वहां भी इन्होंने कलेश करना शुरू कर दिया। उसी चक्कर में दो बड़ी फिल्में फिर एक बार फंस गई, रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन विद्या बालन की भूल भुलैया 3। BB3 के टीजर का रिव्यू तो हमने कर रखा है, नीचे लिंक भटक रहा होगा उठा लेना, लेकिन सिंघम अगेन के बारे में खबर है कि शायद इसका कोई प्रमोशनल मटेरियल 3 तारीख को रिलीज किया जाएगा। गुप्त सूत्रों ने हमें 2 सबसे खास बात बताई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें और एक बार देख करिए, अच्छा लगेगा, बस बता रहा हूं मैं। हमारे गुप्त सूत्रों ने जो हमें सबसे पहली जानकारी दी है वो बहुत गंभीर है। उन्होंने पहले ये बताया कि अब वो उतने गुप्त नहीं है जितना पहले हुआ करते थे, उनसे ज्यादा गुप्त तो अब गुप्त रोग हो चुका है। इसके साथ ही उनकी दूसरी सबसे बड़ी जानकारी ये है कि इस फिल्म के नॉन थिएट्रिकल राइट्स 200 करोड़ रुपए में बिके हैं। इसमें म्यूजिक, सैटेलाइट इत्यादि चीजें आती हैं। अजय देवगन और रोहित शेट्टी के करियर की सबसे बड़ी नॉन थिएट्रिकल डील है। इस बार उन दोनों को ही एक हिट की बहुत ज्यादा जरूरत है। रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सर्कस और वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया, वहीं अजय देवगन की लास्ट फिल्म औरों में कहां दम था का एक ही हफ्ते में दम निकल गया। मैं खुद खांसता हुआ थिएटर से बाहर निकला था कि भाई ये कौन सा जहर फैला दिया। इन दोनों ही फिल्मों का अपना पोटेंशियल है, लेकिन जब दोनों साथ में क्लैश करेंगी तो जाहिर सी बात है कि दोनों का ही बिजनेस डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में किसके पास हिट होने के चांसेस ज्यादा है, आइए जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि जब बात करने के YouTube पैसे दे रहा है तो बात करनी चाहिए ना ब्रो। बात तो सही है। सबसे पहले बात करते हैं सिंघम अगेन की। इनकी स्टार कास्ट इतनी बड़ी है कि हर एक स्टार की अगर 10-10 फैंस भी थिएटर में फिल्म देखने आ जाएं तो एक्स्ट्रा कुर्सियां लगवानी पड़ेगी। अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, विक्की कौशल, करीना कपूर खान फ्रॉम द एपिक लॉटस। अब ये एक यूनिवर्स का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है कि ये कहानी की कंटिन्यूएशन है। ग्रेविटी को चिढ़ाते हुए 20,000 गाड़ियां जब रोहित शेट्टी के सेट पर उड़ती हैं तो नजारा ही दूसरा होता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही हो जाता है कि इस यूनिवर्स के अपने फैंस हैं जो इसे देखने आएंगे। साथ में ये खबर भी है कि इसकी कहानी भी रामायण से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई है। समझ में नहीं आता कि कैसे इंस्पिरेशन ली गई होगी। अब ले लिए तो ले लिए, क्या ही कर सकते हैं, देखेंगे तो पता चलेगा। ये भी ठीक है। अगर सिंघम अगेन की टीम से कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज हाँ देख रहा हूं करके कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, क्योंकि मुझे अजय देवगन को अपने पॉडकास्ट पे बुलाना है और सामने बिठाकर उनसे पूछना चाहता हूं कि सर आज बता ही दीजिए कि आपको झूठ बर्दाश्त क्यों नहीं है। बोलो, दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 एक ऑलरेडी हिट फ्रेंचाइजी का पार्ट है जिसमें यूनिवर्स बिल्डअप कितना है ये फिल्म आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इस फिल्म में अनिल थडानी की AA फिल्म डिस्ट्रीब्यूट इसको कर रही है और आपको तो पता है अडानी और थडानी दोनों की मार्केट में बहुत वैल्यू है। ऑब्वियस है कि भूल भुलैया 3 को सिंघम अगेन के अगेंस्ट अच्छी स्क्रीन मिल जाएगी, वहीं इसमें OG मोंजोलिका भी है तो जाहिर सी बात है फिल्म को बढ़िया ओपनिंग मिल सकती है। सवाल बस इतना होगा कि कंटेंट में कितना दम होगा। उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इस बार भी दिवाली में हमको पटाखे न फोड़ने का ज्ञान दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो कब तक दिया जाएगा, पहले मामला रफा दफा करके खत्म करो भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन दोनों फिल्मों में किसमें लगता है आपको दम और कौन फोड़ेगा बॉक्स ऑफिस पे बम, कमेंट करके जरूर बताना, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे जल्दी स्क्रीन वाला पर एक और रिव्यू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।